Dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Miragas College, Udaipur, Rajasthan. And today we are going to discuss about ferula among the spices and condiments as mentioned in the syllabus of Unit 5th from the Botany Paper 2nd of BSc 2nd year. तो हम इंडियन किचन के विभिन्न स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स को इकोनॉमिक बॉटनी के एक पोर्शन के तहत यूनिट 5th में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दो स्पाइसेस की स्टडी अभी कर ली है. फर्स्ट कोरिएंडरम एंड सेकंड क्यूमिनम. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट्स फ्रॉम द फैमिली एपीएसी इज फेरुला असाफाइटिडा. फेरुला असाफाइटिडा, जिसे आप हींग के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे असाफाइटिडा कहा जाता है. और यह हींग पौधे के राइजोम और रूट से निकलने वाला ओलियोगम रेजिन है, जिसे हम कॉन्डिमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं. तो एपीएसी फैमिली का ये तीसरा स्पाइस है जो कि हमारे कोर्स में है. पहला था कोरिएंडरम धनिया, सेकेंड क्यूमिनम जीरा, और तीसरा जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है हींग फेरुला असाफाइटिडा. फेरुला, इसे पर्शिया में फूड ऑफ द गॉड्स के नाम से जाना जाता था. इट वॉज यूज एज अ कॉन्डिमेंट देयर. इसे डेविल्स डंग भी कहा जाता है, शैतान का डंग, अर्थात जिसे हम गोबर या जो फीकल मटेरियल है उसको हम कहते हैं डेविल्स डंग. क्यों कहते थे? बिकॉज इट हैज अ वेरी फेटिड स्मेल एंड अ नॉजिएटिंग टेस्ट. क्योंकि बहुत ही जिसे आप कहेंगे बदबूदार स्मेल है, फेटिड से तात्पर्य वो है, और एंड अ नॉजिएटिंग टेस्ट. इसका टेस्ट ऐसा है कि अगर आपने इसे कोरा चख लिया है तो काफ़ी आपको वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन भी हो सकता है. तो इस वजह से इसे उस जमाने में डेविल्स डंग भी कहा जाता था. और ये जो फेरुला, इसका जो नाम फेरुला असाफाइटिडा जो है वो लैटिन वर्ड है. फेरुला का तात्पर्य है कैरियर और व्हीकल, अर्थात वाहक, किसी को ले जाने वाला. एंड असा, असा इज अ लैटिनाइज्ड फॉर्म ऑफ द फारसी वर्ड असा, जिसका मतलब है रेजिन. और असाफाइटिडा, तो फाइटिडा हैज कम फ्रॉम द वर्ड फाइटिडस, जिसका मतलब है स्मेलिंग, फेटिड स्मेलिंग, अर्थात वह रेजिन जो कि फेटिड स्मेल को ले जा रहा है. दैट प्लांट इज नोन एज फेरुला असाफाइटिडा. तो हींग जो कि इसके ओलियो रेजिन के कारण जानी जाती है, जिसे हम स्पाइस और कॉन्डिमेंट के रूप में हम यूज में लेते हैं. दिस प्लांट इज वाइडली ग्रोन इन ईरान, पर्शिया, अफगानिस्तान, लाहौर रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड इन इंडिया, इन पंजाब एंड कश्मीर. इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड. इसकी खेती भी की जाती है. एंड दिस प्लांट इज अ टॉल पेरिनियल हर्ब है, अर्थात बहुवार्षिक पौधा है और मोनोशियस है. ये आप जरूर याद रखें कि दिस प्लांट इज मोनोशियस, नॉट डायोशियस. डायोशियस का तात्पर्य होता है जो एक लिंगाश्रयी पौधे होते हैं, और मोनोशियस का तात्पर्य है उभयलिंगाश्रयी पौधा, अर्थात जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं. इसका राइजोम कैरेट शेप्ड होता है, और वही राइजोम है जिससे ओलियोरेजिन निकलता है. लीव्स, अपर वन आर मच डिवाइडेड इनटू द न्यूमरस पार्ट्स जस्ट लाइक कैस्टर प्लांट. तो जैसे आपने अरंडी रिसिनस कम्युनिस का पौधा देखा होगा, उसकी पत्तियां देखी हैं, उसी तरीके से इसकी अपर वन लीव्स जो हैं दे आर मच डिवाइडेड जस्ट लाइक दैट. और इसमें पुष्पक्रम, स्पाइक पुष्पक्रम होता है, जैसा गेहूं की बाली में दिखता है आपको, जिसके अंदर अवरंती पुष्प लगे हुए होते हैं पुष्पाली वृंत के ऊपर. सेसाइल फ्लावर्स, रेसिमोस का ही एक टाइप है. तो इसमें व्हाइट रंग के फ्लावर्स इसके स्पाइक पुष्पक्रम में लगे होते हैं, और थिक फ्लैशी रूट्स होती हैं. गम रेजिन, जिसे असाफाइटिडा ऑफ कॉमर्स मिलता है, यह गम रेजिन ग्रेइश या रेडिश कलर का होता है. इसकी एक फॉल ऑर्डर होती है, बहुत ही जैसे कहेंगे बदबूदार होता है. बिटर टेस्ट है, खाने में बहुत ही टेस्ट में बड़ा कड़वा होता है. पंजन प्रॉपर्टी, तीखा ड्यू टू द सल्फर कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन दिस ओलियो रेजिन. नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ये जो ओलियो रेजिन है इसके अंदर कुछ एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं, और ये एसेंशियल ऑयल में इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक डाइसल्फाइड्स. और इसके साथ ही अम्बेलीफेरॉन कंपाउंड भी इसमें मिलता है. डाइसल्फाइड्स में E1 प्रोपिनाइल सेक ब्यूटाइल डाइसल्फाइड 23.9% मिल सकता है, Z
वन प्रोपिनाइल सेक्बुटाइल डाइसल्फाइड 27.7%, इसके अलावा 10 एपी गामा यूडेस्मॉल 15.1% मात्रा में, बीटा पाइनिन एंड अल्फा पाइनिन 47.1% 21.3% के रूप में एसेंशियल ऑयल के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा इसमें फेरोलिक एसिड भी मिलता है और कुछ और अदर ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस ओलियो रेजिन। नाउ इट्स यूजेस, तो हींग का यूज तो हम जानते ही हैं और जिसे हम सब्जियों में हमारी यूज करते हैं, इट इज़ यूज टू फ्लेवर द करीज, मीट बॉल्स, पल्सेस, पिकल्स, इन सभी में हींग का प्रयोग किया जाता है और इसके होल प्लांट का प्रयोग एज अ फ्रेश वेजिटेबल किया जाता है और फ्लावर्स का प्रयोग या यंग स्टेम का प्रयोग उसको या तो कच्चा भी खाया जाता है या कुक करके खाया जाता है और ये माना जाता है इट इज़ एन वेरी गुड एंटीडोट ऑफ ओपियम। तो अफीम की मात्रा अगर बहुत अधिक मात्रा में ले ली है तो उसका नशा उतारने के लिए उसके एंटीडोट के रूप में हींग का प्रयोग किया जाता है। इक्वल क्वांटिटी में अगर उसको जितनी मात्रा में उसने ओपियम ली उतना ही हींग खिलाया जाए तो इट काउंटरैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ दैट ओपियम ड्रग। और डाइजेस्टिव एड, यानी हम जानते ही हैं कि हम पाचन के लिए इसको हींग का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि इसको हींग को लेने से गैशियस जो प्रॉब्लम है, आफरा की प्रॉब्लम है, पेट की, वो सभी जो दूर होती हैं, इसलिए एज अ डाइजेस्टिव एड इसको भोजन में हम लोग कॉन्डिमेंट के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं। और इसके अलावा ये कई सारी बीमारियों को दूर करने में भी हींग का प्रयोग देखा गया है, जैसे हिस्टीरिया है, सन्निपात, कुछ नर्वस कंडीशंस में, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम लंबे समय तक रहती है, अस्थमा या दवा की प्रॉब्लम है, कफ रहता है, वूपिंग कफ पर्टिकुलरली जो कुकर खांसी टाइप की प्रॉब्लम है, और इन्फेंटाइल न्यूमोनिया, बच्चों में न्यूमोनिया की प्रॉब्लम है, इन्फेंटाइल कन्वल्जन्स आ रहे हैं, और फ्लैचुलेंट कॉलिक, पेट में गैस के साथ पेट दर्द हो रहा है, डिस्पेप्सिया, अजीर्ण की प्रॉब्लम हो रही है, टिम्पेनाइटिस की प्रॉब्लम है, इन सभी में इस हींग को यूजफुल पाया गया है, एसाफोइटिडा को यूजफुल पाया गया है। इसकी एंटी स्पास्मेटिक प्रॉपर्टी है, कार्बिनेटिव पाचक प्रॉपर्टी है, एंथेलमेंटिक अर्थात वर्म्स पेट के कीड़ों को दूर करने की क्षमता इसमें मिलती है, एक्सपेक्टोरेंट अर्थात कफ को बाहर निकालने की क्षमता है, लैक्सेटिव के रूप में अर्थात पेट साफ करने की प्रवृत्ति भी इसके अंदर मिलती है, सीडेटिव प्रॉपर्टी भी है अर्थात नींद दिलाने में भी हेल्प करता है, स्टिमुलेंट है, एमिनागॉग है, डाइफोरेटिक एफ्रोडिजिक प्रॉपर्टीज हींग के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी भी है और साथ में ब्लड प्रेशर को कम करने का कार्य भी हींग करती है। और आयुर्वेद में तो वर्षों से हींग का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें इसकी कई प्रिपरेशंस बाजार में मिलती हैं, जैसे हींगादी वटी, योगराज गुगुलु, हिंगाष्टक चूर्ण, हींग कर्पूर वाटिका, राज परवर्तनी वाटी, ये सभी, इन सभी में हींग का प्रयोग किया गया है। और कई मॉडर्न प्रिपरेशन बाजार में मिलती है जैसे प्लास्टर ऑफ असाफोइटिडा, टिंक्चर, उनमें भी हींग का प्रयोग किया गया है। तो नॉट ओनली एज अ कॉन्डिमेंट, हम इसको मसाले के अलावा भी हम उसको मेडिसिन के फॉर्म में यूज में लेते हैं। तो इकोनॉमिक बॉटनी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसको वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट होता है और लोग इसे यूज करते हैं अपने विभिन्न भोजन के रूप में। यहाँ हमने हमारे एपीएसी फैमिली के तीनों स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट्स को कंप्लीट किया है। पहला था कोरिएंडम सेटिवम, सेकंड क्यूमिनम साइमिनम एंड थर्ड फेरुला असाफोइटिडा। ये तीनों ही एपीएसी फैमिली के स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट्स हैं अर्थात एम्बेलीफेरी फैमिली के सदस्य हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोज में हम जो रेस्ट ऑफ द 6 स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट्स हैं इसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।